चैप्टर टू एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब यहाँ पे एक फार्मूला बना है एसिड प्लस मेटल को जब हम रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इसको आप लोगों को याद करना होगा। देखो एसिड प्लस कोई भी एसिड हम लेंगे और कोई भी मेटल लेंगे, बस वो मेटल होना चाहिए। फिर जब हम इसको और इसको रिएक्ट करवाएंगे तो साल्ट बनेगा, हमेशा वो साल्ट ही बनेगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो देखो जैसे टू जैसे HCl है प्लस ZN, ये तो मेटल है और ये एसिड है, तो ये जब रिएक्ट करता है एक दूसरे से तो ZnCl2 बनता है प्लस H2 रिमूव होता है। अब यहाँ पे देखते हैं 2HNO3 प्लस ZN के साथ जब रिएक्शन किया तो ZN2 प्लस होता है, तो ZN का और NO3 ये 2 इधर चला जाता है और NO3 बन जाता है ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। ये सब जो बना है ये सब, और ये ZN जब H2SO4 प्लस ZN के साथ रिएक्शन करवाएंगे ZnSO4 बनता है प्लस H2। ये जो ZnSO4 है ये सब साल्ट है, जैसे ZnCl2 है, ZnNO3 का होल ट्वाइस है और यहाँ पे ZnSO4 है, तो ये सब क्या है, ये सब साल्ट है और ये मेटल है और ये एसिड है। ओके, अब आता है पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट क्या होता है, जैसे टेस्ट ट्यूब होता है, उस टेस्ट ट्यूब में जब हम हाइड्रोजन गैस को डाले रहते हैं पहले से और उसके ऊपर जैसे कैंडल होता है, कैंडल को हम जला के उस टेस्ट ट्यूब के पास जब हम लेके आते हैं उसमें से एक साउंड निकलता है पट पट, उसको बोलते हैं पॉप साउंड। पॉप साउंड निकलता है ना, एक्सपेरिमेंट करना क्लास में। और यह टेस्ट कब करेंगे, जब हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट रहेगा तब। और इसका फार्मूला क्या है, बेस प्लस मेटल को जब हम रिएक्ट करेंगे दोनों को मिलाएंगे तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा। ये सब इम्पोर्टेंट है। देखो जैसे NaOH प्लस ZN को हम रिएक्ट किए, क्या बना, सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 प्लस H2 रिमूव हुआ, सोडियम जिंकेट बना। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट नोट, ये इम्पॉर्टेंट है, सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल द मेटल। ये जो रिएक्शन है हर एक मेटल के साथ नहीं पॉसिबल है कि किसी भी मेटल के साथ कर दें, नहीं, ये जो है हर एक मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, जो साल्ट ही बने। ओके, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, थैंक यू।